पैनाडॉल की गोली से आपको पता है लाखों लोग कौन सी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। आमतौर पर अगर किसी घर में किसी को थोड़ा सा भी दर्द हो तो उनको बिलझक कहते हैं कि जाके पैनाडॉल खा लो। अगर थोड़ा सा ज्यादा दर्द हो गया हो एनसेड यानी फिलर ब्रोफीन के इस्तेमाल कहते हैं। ये गोली जिगर के साथ साथ गुर्दे और मैदे को दोस्तों तबाह कर देती है। और इसके अलावा बेइंतहा महफूज समझी जाने वाली गोली पैनाडॉल गोलियों से लाखों लोग जिगर के सिकुड़ने वाली बीमारी का शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं। इस तरह पोन्स्टान, ब्रोफीन, डाइक्लोवेरिन, ब्रैक्सन और फेल्डीन वगैरह दर्दों को कम करने वाली गोलियां खासकर। लेकिन इन अद्वियात के फायदे के साथ साथ बहुत से नुकसान भी हैं। इनका ज्यादा या मतवातर इस्तेमाल दिल के जिगर गुर्दों के लिए बेहद नुकसानदायक है। इसके अलावा आजकल हर कोई बेफलाम धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केटों में मिल रही है भाई इजीली। इसके बाद बहुत से नुकसान आते हैं। बिला जरूरत और कम तकलीफ में दर्दों की दवाइयों से दोस्तों परहेज करें आप। इन तमाम चीज़ों का आसान हल ये है कि दर्दों और बुखार की सूरत में अजवाइन को जोश देकर पिए। अजवाइन से होम्योपैथिक दवा बेलाडोना जो कि इस्तेमाल होती है, बेलाडोना के नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जो बुखारों के लिए बहुत ही लाजवाब मेडिसन है। अंग्रेजी दवाएं मर्ज को दबाती हैं, ठीक नहीं करती। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से अच्छे डॉक्टर भी हैं जो दवाइयों के साथ साथ इनके साइड इफ़ेक्ट्स को कवर करने के लिए साथ में मजीद दवाइयाँ भी देते हैं। अब आप पैनाडोल को ही ले लें। ये कहा जाता है कि सर दर्द की सूरत में दो गोलियां लें, ये एक 1000 मिलीग्राम, एक गोली 1000 मिलीग्राम की होती है। जबकि आपका सर का दर्द भाप लेने से भी ठीक हो सकता है। थकावट की वजह से भी जिस्मानी दर्द होता है। अब पूरा दिन काम करें, आपका जिस्म शाम को बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। इसके अलावा आप खूब आराम करें। खाली पेट खाने की सूरत में कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, आप कोई दवाई खाली पेट आप इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बच्चों को लगातार कीलपोल, पैडराल या ब्रोफीन शरबत ना पिलाएं यार, बच्चे इस चीज़ के।